नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्निकल ग्रेड थ्री थ्री और अन्य एग्जाम में काम आएगी। आज हम एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है रेल संबंधित क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप रेल संबंधित क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रेल सूत्र हैं, रेल सभी लंबाइयों का योग ले लो, वो भी मीटर में होना चाहिए, बटे समय सेकंड में, इंटू 18/5 बराबर रेल की चाल। रेल की चाल किलोमीटर प्रति आवर में होनी चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी है तथा 4 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि ये एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करती हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो हम जैसे हम फॉर्मूले मान रखते हैं, सभी की लंबाई है, मतलब लंबाई है कितनी दे रखी है, 210 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, एंड प्लेटफॉर्म की मान ली अपन ने एक्स है, बटे समय समय दे रखा है 15 सेकंड, तो 15 सेकंड ले लेंगे बराबर इंटू बराबर जैसे बराबर हमने कहा था रेल की चाल, अब रेल की चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है। अब हम इसको पसंद करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको तो वैसे के वैसे रखते हैं, बराबर 90, जब ये जो भाग में होता है वो हमेशा गुणा में चला जाता है, 15 × 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 × 15 आएगा। इसकी फिर जब इसको हम फिर ये माइनस प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 165 मीटर। इस प्रकार हम सेकंड फॉर्मूला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति आवर है तथा अन्य रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है, तथा दोनों की लंबाइयां क्रमशः 200 मीटर तथा 100 मीटर हैं। यदि ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को 10 सेकंड पार करनी है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल करनी है। हम इसमें एक देख लेते हैं कि यदि मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यदि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो हमेशा जुड़ेगी, उनकी चालें जुड़ेगी, तथा समान दिशा में जाएगी तो उनकी चालें घटेगी। ठीक है ना? अब इसमें हम लेते हैं जैसे सारी लंबाइयाँ, इसमें लंबाइयाँ दे रखी है 200 + 100 बटे मीटर में, दे रखी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बटे समय दे रखा है 10 × सेकंड में दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 18/5 बराबर लंबाई क्या चाल, रेल की चाल, अब देखो एक रेलगाड़ी की दे रखी है 78, लेकिन सेकंड की नहीं दे रखी है चाल, तो हम उसकी एक्स मान लेंगे, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं इसलिए जुड़ जाएगी एक्स। अब एक्स की वैल्यू याद करनी, इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 300/10 × 18/5 बराबर 78 + x। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है करता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब वो फॉर्मूला वही लगाएंगे, जैसे सारी लंबाइयाँ रेलगाड़ी की लंबाई देख रखी है 250 मीटर, और अब हमने पीछे भी कह रखा था, देखो दूसरा व्यक्ति व्यक्ति है, यदि व्यक्ति और कोई थम्बा होगा तो हम उसकी लंबाई नहीं लेंगे, तो बटे समय 10 सेकंड दे रखा है इंटू 18/5 बराबर चालें, रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल।
अब रेलगाड़ी की चाल तो रेलगाड़ी की चाल मान लिया ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हमने इसको मान ली एक्स प्लस, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जाती है इसलिए हमने प्लस लगाया है। यदि एक ही दिशा में जाती तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे। और दूसरी की चाल दे रखी है व्यक्ति की चाल चार। अब ये कटा 5 बार और जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे 18 × 5 बराबर एक्स प्लस 4, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 90 बराबर एक्स प्लस 4 या एक्स बराबर 90 माइनस 4 बराबर 86 किलोमीटर प्रति आवर। यदि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति और किसी थंबे को पार करे तो आप लंबाई ओनली रेल की लेंगे, ओनली लंबाई रेल की लेंगे। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 120 लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है तथा 60 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल व रेल की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने इसमें हम एक नया फॉर्मूला, इसमें दो अपन समीकरण बनाएंगे, जिसमें पहले समीकरण में वो देख लो एक रेलगाड़ी है रेल प्लस दूसरा क्या है इसमें प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म, ये कुल मिला के 19 सेकंड में पार करता है, रेल प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड पार करती है। सेकंड समीकरण हो गया, दूसरे में भी देख लो वही रेलगाड़ी 160 मीटर पुल को पार करती है, पुल को पार करती है तो रेल प्लस पुल। और ये प्लेटफॉर्म कित रेलगाड़ी 120 लंबे मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, यानी 120 ये दे रखा है और सेकंड में पुल दे रखा था 160, तो ये 160 और ये सेकंड में कितने 21 सेकंड में पार करती है, तो 21 21 सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें वो फॉर्मूला भी बाद में काम आएगा, इसमें हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अंतर आ गया 2 सेकेंड और इन दोनों का अंतर आ गया 40 मीटर। अब हम ये करेंगे कि अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ये मान अपॉन ये मान, लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, इसको हम किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। और रेलगाड़ी की चाल इसको हम जैसे ही हल करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम दोनों में से किसी एक समीकरण लेते हैं, चलो पहले समीकरण से भी अब क्या ज्ञात करनी रेल की लंबाई, तो हम इस रेल की लंबाई को फर्स्ट समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं और सेकंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी रेल फॉर्मूला लगा कर, जैसे हम रेल का फर्स्ट समीकरण से समीकरण एक से इसमें रेल रेल की ज्ञात करनी है, रेल की लंबाई ज्ञात करनी है प्लस प्लेटफॉर्म की सारी लंबाई होती है ना 120 बटे समय दे रखा था कितने 19 सेकेंड, तो 19 × 18/5 बराबर। अब रेलगाड़ी चाल तो हमने ज्ञात कर ली 72, अब इसको पक्षांतर करने के बाद रेल की लंबाई, इसको हल करने के बाद रेल की लंबाई हल करेंगे तो रेल की लंबाई आ जाएगी 260 मीटर। थैंक यू, इस वीडियो को आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।